हर हर महादेव माय व्यूवर्स, मैं जा रही हूँ भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ। तो इस ब्लॉग में आप सब जुड़े रहें और इस ब्लॉग को पूरा देखें। तो ये जर्नी मेरी स्टार्ट होती है दिल्ली से, और दिल्ली से मैं जा रही हूँ हरिद्वार। तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं और बस से भी, फिर हरिद्वार टू ऋषिकेश और ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग। तो ये जर्नी बस से स्टार्ट हुई थी मेरी, और आप ये व्यू देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा ऑसम व्यू था। तो आप एक बार, आप लोग सब लोग जाओ देखो, जो आपको देख के एक्सपीरियंस होगा वो ब्लॉग में नहीं होगा। रुद्रप्रयाग में आपको होटल्स मिल जाएंगे स्टे करने के लिए रिजनेबल प्राइस में, और फिर वहाँ से जाना है गौरीकुंड। तो इस ब्लॉग में बने रहें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ना जी, ना जी। जब ऊपर चलते समय हमने गौरीकुंड के अद्भुत नज़ारे, ऐसे लग रहे हैं कि बादल पूरे नीचे आ गए हैं। जो पैदल नहीं चल सकेंगे उनको यहाँ से घोड़े मिल जाएंगे, और हम चलते हैं पैदल। बाबा से मिलना है तो हमें पैदल ही जाना होगा, थोड़ी तो कष्ट उठानी ही पड़ेगी। तो हर हर महादेव, और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं केदारनाथ। टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कई। यहाँ पे पहाड़ से झरने गिरते रहते हैं, आपको हर जगह थोड़े थोड़े दूर पे ऊपर से झरने गिरते हुए आपको नज़र आएंगे। और अभी बारिश का टाइम है, जैसे कि रेनी सीजन है, तो अभी नदी के पानी भी बहुत बढ़े हुए थे। जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा,
तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस में। ओवरऑल बाबा को अभी बाय बाय करते हैं और एक ही बात बोलूँगा, बाबा सबसे न्यारे हैं, सबसे बड़े हैं, तो हर हर महादेव। ये जो सामने में आप जो पत्थर देख रहे हो, ये वही पत्थर है जो 2013 के जून में जो यहाँ फ्लड आई थी, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। तो ये पत्थर आकर के मंदिर के पीछे रुक गई थी, जिसके वजह से मंदिर में कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब जितना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा और बहुत ही शांति मिली। यहाँ पे 6 बजे शाम को आरती होती है, उस समय फ़ोन अलाउड नहीं थी अंदर ले जाना। और यहाँ पे आपको ऊपर में होटल मिल जाएंगे स्टे करने के लिए। तो मेरी एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छी रही, बाबा भोलेनाथ के बहुत अच्छे दर्शन हो गए, मुझे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति लगा। तो हर हर महादेव। मैं जितना हो सका मैं इस ब्लॉग के थ्रू आप लोग को एक्सप्लेन कर पाई कि बाबा केदारनाथ धाम के बारे में, और आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।